नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। नूतन बहल हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री थी जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वो 50 और 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। नूतन ने अपने करियर में बड़े कलाकारों के साथ काम किया और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। घर में हमेशा फिल्मी माहौल होने की वजह से नूतन ने छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। फिल्मी खानदान से ताल्लुकात रखने वाली अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा जगत की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं। करीब 4 दशक के अपने लंबे करियर में नूतन ने 70 से ज़्यादा फिल्में की हैं। उनका जन्म 4 जून को हुआ था, तो चलिए इस मौके पर बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। बताते मशहूर दिवंगत अदाकारा नूतन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को हुआ था। नूतन ने अपने संजीदा और सशक्त अभिनय के दम पर सिनेमा की दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी। नूतन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयंती से की। उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और खिताब भी जीता। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थीं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन का रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। 70 से ज़्यादा फिल्में करने वाली एक्ट्रेस नूतन की सादगी के लोग दीवाने थे। फिल्मों में नूतन की चॉइस अपने ज़माने की एक्ट्रेस से जुदा थी। नूतन के करियर की कई सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, उन्हें फिल्म सीमा से बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद नूतन ने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, बंदिनी, सरस्वती चंद्र, देवी, मैं तुलसी तेरे आंगन की सहित अन्य फिल्मों में काम किया। नूतन को बेस्ट अभिनेत्री के लिए 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। फिल्मों में योगदान को देखते हुए 1974 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। बता दें, नूतन अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। इसके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही निजी रखती थी। नूतन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई थी और महज 54 साल की उम्र में साल 1991 में उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।